हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे आप सबसे बहुत शिकायत है कि थोड़े दिनों से मेरे ब्लॉग जो है रेगुलर नहीं आ रहे हैं और ना ही मैं किसी के वीडियो पर जा सकती हूं, तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो अन होते जा रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आजकल माहौल ही ऐसा है कि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो उसी वजह से ना ही वीडियो बन पाता है और ना ही किसी के वीडियो पर जा सकते हैं। तो ऐसी ही प्रॉब्लम मेरे घर में हुई है कि ना ही मैं तो व्लॉग बना सकती हूँ, ना ही आपके वीडियो पर आ सकती हूँ। तो बहुत जल्द मैं आपके साथ जुड़ जाऊँगी, आपके वीडियो पर भी आऊँगी, व्लॉग भी बनाऊँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक दूसरे की जो तकलीफ़ है वो समझिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वैक्यूम क्लीनर डेमो, जो मैंने इसका वीडियो जो है आपके साथ शेयर किया है। और हमारे यहाँ जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम सबसे पहले इसकी पूजा करते हैं। तो जानसी ने तिलक लगा दिया है वैक्यूम क्लीनर पर और दिव्या यहाँ पे रेडी है। उसको ऐसा था कि सबसे पहले मैं यूज़ करूँ, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चलो तुम यूज़ कर लो सबसे पहले। और हाँ, यूज़ हमें करना है, सबसे पहले मुझे देखना है कारपेट पर यूज़ करके कि उसमें से कितनी डस्ट निकलती है, क्योंकि कारपेट ऐसा है कि बार बार हम इसको वॉश भी नहीं कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी सब कुछ इसके अंदर ही होता है और सोफ़ा के अंदर। और तो मैंने सोचा चलो इस पर चला कर देखते हैं कि इसके अंदर से कितना डस्ट निकलता है और ये कितना क्लीन होता है। तो स्टार्टिंग ही हुई है अभी, तो उसको दिव्या को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसको यूज़ करने में, तो फिर मैंने इसको बोला कि चलो मैं क्लीन कर देती हूँ तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारा काम हो रहा है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना डस्ट इसके अंदर से निकला है। तो देखिए यहाँ पे अभी तो मैंने आधा भी नहीं चलाया है, फिर भी इतना सारा डस्ट है। थोड़ा नज़दीक जाकर बताती हूँ, देखिए तो पूरा कारपेट के अंदर से कितना निकलेगा डस्ट। तो देखिए यहाँ पे मेरा कारपेट एकदम क्लीन हो गया है और देखकर ही आप समझ चुके होंगे कि कितना क्लीन हो गया है। और इसके अंदर जो सामान निकला है ना वो भी आपको बताती हूँ मैं, देखिए। तो चलिए दिव्या को मैं बोल रही हूँ यहाँ पे निकालने के लिए, तो वो डस्ट बॉक्स है वो निकालेगा। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, अभी तो नया नया लिया है। तो देखिए मैं खोलकर दिखाती हूँ और निकाल कर भी दिखाती हूँ, एक ऐसी डस्ट है मुझे कुछ पता नहीं चलता कि इतनी भयानक देखकर लगती है ना। देखिए अभी तो थाली में इतनी निकली है और जो बॉक्स है इसके चारों तरफ चिपक कर भी इतनी ही, इससे ज़्यादा होगी। तो देखिए कितनी सारी डस्ट निकली है, कारपेट के अंदर से ही निकला है सब कुछ और इसके अंदर अभी जमा हुआ है। देखिए ये कितना गंदा है, देखिए हम इसको पानी से वॉश करेंगे फिर भी ये इतना साफ़ नहीं होगा जितना वैक्यूम क्लीनर से ये एकदम साफ़ हो गया है। तो चलिए अब फर्श पर भी मैं आपको वैक्यूम क्लीनर चला कर दिखाती हूँ। मैं कुछ भी नहीं डालूँगी फर्श पर, बस ऐसे ही, और जो डस्ट थोड़ी पड़ी है तो उस पर भी चला कर दिखाऊँगी। तो देखिए एक बार ही चलते ही सारी डस्ट जो है वो साफ़ हो जाती है। तो हमने जो वैक्यूम क्लीनर है ना, तो बीच बीच में ही एक रूम में बीच बीच में ही लगाया था, पूरा रूम साफ़ नहीं किया था। तो देखिए फर्श भी कितनी अच्छे से क्लीन हो जाती है सच में। और वैक्यूम क्लीनर करने के बाद अगर आप फर्श पर पैर रखो ना, तो जो फर्श है ना एकदम बहुत अच्छे अच्छे एकदम स्मूथ हो जाती है, इससे अलग ही लगता है। इतना झाड़ू पोछा लग करने के बाद भी इतनी साफ़ नहीं होती है, उतना वैक्यूम से सारी फर्श अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो बच्चे भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और उसके बाद इसकी भी डस्ट मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी कि इसमें से कितना निकला है। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस ऐसे ही वैक्यूम चलाया था। तो देखिए इसको भी खोल कर दिखा देती हूँ कि कितना निकला है। झाड़ू पोछा मैंने लगाया था उसके बाद ये किया है मैंने, देखिए झाड़ू पोछा लगाने के बाद ये वैक्यूम क्लीनर मैंने चलाया है, फिर भी इतनी डस्ट निकली है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मुझे अन किया है वापस से मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।